हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इसमें मैं बना रही हूँ दिन का खाना, आलू चने की सब्ज़ी, और साथ में बना रही चावल, थोड़ा सा रायता। आज मैंने रोटी नहीं बनाई है, खाना बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ मंदिर। यहाँ पर मैंने पड़ोस में ही एक बेटी रहती हैं, उनको बुलाया है, क्योंकि दो लोग होते हैं तो जल्दी बन जाता है, मुझे और भी काम करना था। तो वो बेटी आकर बनाकर चले गई हैं, तो जो बचा खुचा है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। क्योंकि मैंने जो मार्केट वाला मंदिर होता है रेडीमेड, वो नहीं लिया। मैं गई थी देखने के लिए लेकिन लिया नहीं, तो मैंने कहा चलो इस साल फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, देखूँगी अगले बार जो भी होगा। और यहाँ पे इस तरीके से बना दिया है पूरा मंदिर। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे धो रही हूँ गेहूँ। यह है दूसरे दिन का वीडियो, क्योंकि मैंने उस दिन फिर कोई वीडियो नहीं बनाया, तो इतना टाइम मुझे नहीं हो पाया था। गेहूँ में मिट्टी है, भूसा है, तो इसको साफ़ करना होता है। और जब हम गेहूँ रखते हैं ड्रम के अंदर, तो उस समय इसमें कीड़ा ना लगे करके दवाई डालते हैं, तो इसलिए भी गेहूं धोने होते हैं। यहाँ पे मैं आप छत में जा रही हूँ गेहूं डालने, और छत में गेहूं डालकर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बंदर, कौवे, कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कबूतर के लिए तो ये जुगाड़ किया है, क्योंकि इसको देख कर कबूतर नहीं आते हैं। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर डेली में इस तरीके से। मुझे उतना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन जैसा आता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो मार्केट वाला होता है उसको हम लगा तो देते हैं, एक दो दिन तो वो अच्छा लगता है, ले फिर पोछा ओछा लगाने में निकल जाता है, और ये बहुत दिन तक रह जाते हैं, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो मैं बना लेती हूँ ऐसे ही जैसा मुझे आता है। उसके बाद मैंने ये बेटी को बुलाया हुआ है, पड़ोस में रहती हैं ये भी, तो ये मुझे मेहंदी लगाने के लिए आई हैं। दिन भर स्कूल में रहती हैं, शाम को फिर और भी इनके बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो ये आई थी शाम को 6 बजे के टाइम पे मुझे मेहंदी लगाने को। तो मुझे मेहंदी में उतना नहीं आता है लगाना, खाली ऐसे ही लगा लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो करवा चौथ के बहाने से अच्छी मेहंदी लग जाएगी हाथों में, अच्छा लगता है देखने में भी। तो इन्होंने मेरे लिए 1-2 घंटा टाइम निकाल लिया था। इनका चैनल भी है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी की डिज़ाइन डाली है वीडियो बनाकर, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लेना। मैं यहाँ पे इनका चैनल का लिंक लगा दूँगी। अगर वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताएं, कमेंट करें, शेयर भी करें। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल यही काम हो रहा है, दीपावली की सफाई और डेली में अपन देना। बस मेहंदी लग के तैयार हो गई है, कैसी लगी देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग अपना साथ बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।